आपने आज तक YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोग ये बताते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियंस कितना कम पढ़े लिखे हैं, कितना अनएजुकेटेड हैं और कितने गवार हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। इनके अलावा भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि जेन्युइनली वेल एजुकेटेड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में जो कि IITians रह चुके हैं। दोनों के बीच में एक डिबेट हो। There are many people who just can't bear to see a woman being powerful or successful. So it was kind of a spectacular display of political symbolism. हम चले या न चले, हम करें या न करें, देश चल पड़ा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए हर साल करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लाख लोगों का ही एडमिशन IIT में हो पाता है। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनमें लोग IIT के बाद एक अलग ही फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल बनते हैं। तो इसी तरह इंडियन पॉलिटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने IIT के बाद इंडियन पॉलिटिक्स को चूज़ किया। चौधरी अजीत सिंह भारत के राजनीतिक गलियारों के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन IIT खड़गपुर से की है और वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी पॉलिटिशियन का बेटा गुंडा ही बने। कुछ कुछ पॉलिटिशियंस के बेटे IITians भी होते हैं। वो इंडिया के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर और 2011 में केंद्र की UP सरकार के एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 6 मई 2021 को कोरोना से इन्फेक्टेड होने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। मनोहर पारिकर जी का जन्म गोवा में हुआ था और वो इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ चुनिंदा साफ छवि वाले पॉलिटिशियंस में से एक थे। उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मनोहर पारिकर जी ने 1978 में IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की थी। वो 3 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और 1 बार इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। 2019 में पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश भी एक IITian रह चुके हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और प्रेजेंटली वो लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस को 1998 में ज्वाइन किया था और अब तक वो बहुत सारे रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल पोस्ट संभाल चुके हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। आंदोलन से राजनेता बने अरविंद केजरीवाल इसके पहले इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा भी एक IITian रह चुके हैं। उन्होंने IIT दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। वो इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी रह चुके हैं और करेंटली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुधींद्र कुलकर्णी एक इंडियन पॉलिटिशियन और कॉलमनिस्ट है। उन्होंने IIT बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उन्होंने 1996 में BJP को ज्वाइन किया था और 2009 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, और अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।